हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी रोजगार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ विश्व के प्रमुख द्वीप, यानी कि जो अपना वर्ल्ड है, वर्ल्ड के जितने भी इंपॉर्टेंट आइलैंड है, जो आइलैंड होते हैं वो महासागर के ऊपर बने होते हैं। जो महासागर होता है उसके अंदर बीच बीच में आपने देखे होंगे कि चट्टान तरह की कुछ आकृति बनी रहती है, तो उसे ही हम द्वीप बोलते हैं। द्वीप बोले तो आइलैंड बोलते हैं। तो दोस्तों शुरू करने से पहले वीडियो को मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और ताकि आप लेटेस्ट जितने भी हमारे वीडियो होते हैं वो सबसे पहले प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो जो द्वीप का नाम है वो है ग्रीनलैंड। विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है कौन से महासागर पर स्थित है? तो आर्कटिक सागर में स्थित है। दोस्तों जो आर्कटिक महासागर होगा, इतना बड़ा महासागर है, उसके ऊपर जो द्वीप स्थित है वो उसका नाम है ग्रीनलैंड, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो मेडागास्कर इसका नाम है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडागास्कर किस सागर पर स्थित है? तो हिंद महासागर पर स्थित है। सबसे अधिक द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो सबसे ज़्यादा द्वीप है वो किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो वो भी प्रशांत महासागर है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा द्वीप किस सागर में? प्रशांत महासागर में। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो इंडोनेशिया है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, यानी कि इंडोनेशिया जो कंट्री है वो लगभग द्वीपों के ऊपर ही बसी हुई है, यानी कि सागर है, सागर के बीच में छोटे छोटे द्वीप है, वहाँ पर ये पूरा इंडोनेशिया बसा हुआ है, तो इसे द्वीपों का समूह भी कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, डी आर्गो गार्सिया द्वीप किस सागर पर स्थित है? तो ये हिंद सागर पर स्थित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो जो हिंद महासागर है उसका जो सबसे बड़ा द्वीप है उसका नाम है बोर्नियो। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? तो जो सेशेल्स द्वीप है वो हिंद महासागर में स्थित है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो जो आइसलैंड है उसे अग्निद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अग्निद्वीप यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, किसे जाना जाता है? तो आइसलैंड को अग्निद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर का चौराहा किस द्वीप को कहा जाता है? यहाँ पे चौराहे की बात हो रही है, तो हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहे भी कहा जाता है। सैंडविच किस द्वीप का पुराना नाम है? तो हवाई द्वीप है। यहाँ पे दो क्वेश्चन बन जाते हैं, हवाई द्वीप को क्या कहा जाता है? चौराहे कहा जाता है प्रशांत महासागर का, और हवाई द्वीप भी सैंडविच द्वीप इसका पुराना नाम था। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? तो जावा द्वीप पर स्थित है जकार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो होंगशू द्वीप है जापान का, वो सबसे बड़ा द्वीप है। जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो शोकोकू है वो, शिकोकू है वो सबसे छोटा द्वीप है जापान का। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस द्वीप को इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहा जाता है? तो जो जावा द्वीप है जो कि जकार्ता के अंदर स्थित है, उसे इंडोनेशिया का हृदय भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो बोर्नियो द्वीप है, वो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद किस द्वीप पर है? तो कच्चा तीवू द्वीप पर भारत और बांग्लादेश दोनों कंट्री के मध्य विवाद है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जंजीवार वह पेम्बा द्वीप किस देश के तट पर स्थित है? तो तंजानिया जो देश है उसके तट पर जंजीवार वह पेम्बा द्वीप स्थित है। माल्टा द्वीप किस सागर पर स्थित है? तो भूमध्य सागर पर माल्टा द्वीप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा बड़ा द्वीप कौन सा है? तो उनका नाम है न्यू गिनी द्वीप है, वो विश्व का सबसे बड़ा दूसरा द्वीप है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू गिनी द्वीप कहाँ स्थित है? तो पश्चिम प्रशांत महासागर है, वहाँ पर न्यू गिनी द्वीप स्थित है। मिडनाओ द्वीप किससे संबंधित है? तो फिलीपींस से संबंधित है मिडनाओ द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा व सुमात्रा द्वीप किस देश में स्थित है? तो इंडोनेशिया में स्थित है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, तुजोन द्वीप किस से संबंधित है? तो फिलीपींस से संबंधित है। भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण बना दूसरा द्वीप कौन सा है? पहले द्वीप तो आपको डिस्कस कर चुका हूँ दोस्तों, और जो दूसरा द्वीप है उसका नाम है न्यूमीर द्वीप है, जो कि
भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद का कारण बना हुआ है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मध्य अंडमान है। अंडमान और निकोबार दो द्वीप समूह हैं, तो जो मध्य अंडमान है वो सबसे बड़ा द्वीप समूह है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप पर स्थित है? तो क्यूशू द्वीप पर स्थित है। नावों के निकट स्थित छोटे छोटे द्वीपों को क्या कहा जाता है? तो सफेरी गार्ड कहा जाता है। नावों के निकट छोटे छोटे द्वीपों को सफेरी गार्ड कहा जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि जो विश्व के जो भी द्वीप समूह हैं उनसे रिलेटेड जितने भी आपसे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो आपको बहुत ही पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आया तो प्लीज़ इसे डिसलाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। अंत में जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।